बिलासपुर सेंटर जेल में कत्ल की सजा भुगत रहे कमल कोच्छर ने चंडीगढ़ प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उसके मामले में सीबीआई जांच की मांग की। कमल कोच्छर के अनुसार पुलिस ने उसे झूठे केस में फंसाया है। अपनी आप बीती सुनाते हुए कमल ने बताया कि जिस कत्ल के मामले में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है उसका उस केस से कोई लेना देना नहीं है। उसका कहना है कि कोर्ट फाइल में उसकी बेगुनाही के सभी सबूत मौजूद हैं। इसके अलावा उसने अपने केस की जाँच एक प्राइवेट डिटेक्टिव से करवाई है जिसमें उसकी बेगुनाही के कई सबूत मिले हैं। फिलहाल कमल कोच्छर की मांग है कि या तो उसके केस की सीबीआई जांच करवाई जाए या फिर उसे इच्छा मृत्यु की मंजूरी दे दी जाए। चंडीगढ़ से हलचल के लिए अमित सेठी की रिपोर्ट। कि 100 गुना अगर छोड़ दे कि बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए थी। मैं बिल्कुल बेगुनाह, मेरा इस कत्ल विच दूर दराज तक भी कोई रोल नहीं सी जिहड़ी मैनूं सजा दित्ती गई, और मैं 3 साल तो नरक भुगत रहा। इस नरक भुगतन तो अच्छा है कि मैनू मौती हो जाए मेरी, वो ज़्यादा बैटर है जी। मेरे परिवार का बुरा बुरा हाल आ गया, तो मेरा हर रोज़ मैं जेल च हर रोज़ मर रहा, तो मैनू अगे भी अपना कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। पता नहीं कदों सुनवाई होएगी, कदों की होएगा। 3 साल हो गए आपदे आप बेगुनाह होकर मैं सज़ा कट रहा। मैं तो प्रश्न यही कहना चाहता कि अपनी कलम की आवाज उठाओ, मेरी सीबीआई इंक्वायरी लगे तो असली कातलों का पता लग लगे कि किन्हां ने मारिया है तो उन्होंने सज़ा मिले। मैनू क्यों फसाता गया, इन्हें मगर कि साजिश सी ये सारे सामने आ जाएगी, तो किन्हां ने फसाया भी सामने आ जाएगी।